हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्यूब। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एंड देन इसके बाद एक टॉपिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। और इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप लोग कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्टिंग दिस टॉपिक, आपको कूलम्स लॉ क्या होती है ये जरूर पता होना चाहिए। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में। कूलम्स लॉ ये बताती है कि यार जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है बिटवीन टू चार्जेस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो कूलम्स लॉ आपको पहले पता होनी चाहिए। अब हम इस वीडियो लेक्चर में कूलम्स लॉ देखने वाले हैं, बट कौन सी फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। देखिए वेक्टर क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। वेक्टर एक ऐसी वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, हमेशा डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, हमेशा डायरेक्शन। अब मैंने आपको ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यार कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ फोर्स का क्या देती है आपको, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन में देखनी पड़ती है फोर्स की। ठीक है, बट इन दिस टॉपिक हमें कूलम्स लॉ पढ़नी है, बस किस फॉर्म में पढ़नी है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिए, इस डेरिवेशन में हम लोग एक तीर से दो शिकार करने वाले हैं। एक तीर से दो शिकार कैसे, देखिए पहला शिकार हम लोग कूलम्स लॉ देखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे वेक्टर फॉर्म में। दूसरा शिकार हम ये भी प्रूव करेंगे कि कूलम्स लॉ न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है, मतलब उसको ऑबे करती है। और ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि फोर्स हमेशा पेयर्स में एक्ट करता है, दैट मींस इट ऑलवेज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो उसी प्रोसेस में हमने क्या किया, यहाँ पे लेट सपोज हमने दो चार्जेस लिए Q1 और Q2 जिनके बीच में हमने सेपरेशन माना R, और उसको हमने कौन से प्लेन में रख दिया, मान लिया x प्लेन में। देखिए वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेक्टर हमेशा 2D से लगना स्टार्ट होता है, वेक्टर कभी 1D में नहीं लगता, ये आपको पता होगा 11th क्लास में। तो हमने दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, उनको हमने किस में रखा, xy प्लेन। अब लेट सपोज ये ओरिजिन है इसका, तो वही चीज हमने ली, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर प्लेस्ड इन xy प्लेन। देन हमने इनके पोजीशन वेक्टर्स माने, Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। और ये भी आप 11th में पढ़ चुके हो कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी पार्टिकल की क्या बताता है, पोजीशन। और इसकी खास बात, ये हमेशा कहां से लगते हैं, ओरिजिन से। तो R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 क्या है, यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। देन अब देखिए दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, बाय डिफॉल्ट में पॉजिटिव ही रहते हैं हमेशा, तो दोनों एक दूसरे पर कैसा फोर्स मानेंगे, आंसर इज रिपल्सिव फोर्स मानेंगे। तो यार ये इस पे एक फोर्स मानेगा इस तरफ, मतलब इसको इधर रिपेल करेगा, और ये इस पे एक फोर्स मारेगा, मतलब ये इसको इधर रिपेल करेगा। हमने F2 बल माना, क्या F2 बल मतलब क्या, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, मतलब जो फोर्स लग रहा है Q2 पे, लेकिन कौन मार रहा है, Q1 मार रहा है, तो उसको हमने क्या माना, F2 बल। एंड देन Q2 भी इस पे फोर्स मारेगा Q1 पे, तो वो फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब Q2 Q1 को इस तरफ रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब होता है अपने से दूर भेजना, और ये फोर्स हमेशा स्लाइड के अलोंग लगता है। ये मैंने वीडियो नंबर 3 में कवर किया होगा कूलम्स लॉ वाले वीडियो में। ठीक है, देन देयर इज दिस F12 का मतलब, F12 का मतलब है यहां पे क्या, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, मतलब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन मारेगा, Q2 मारेगा। ठीक है, आई होप सो ये बेसिक टर्म्स आपको क्लियर आउट हुई हो। हमने कोई अभी बड़ा काम नहीं किया, कोई तीर नहीं मार दिया, मारे भी हमने बस अभी इस डायग्राम को क्या किया, बहुत सिंपल, बहुत सिंपली, बहुत नॉर्मली हमने इसको भी डायग्राम को एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो अब देखते हैं यहाँ पे, नाउ देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं F12 एंड दैट टू कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, मतलब इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ, वेक्टर। देखिए वेक्टर लगा रहा हूँ मतलब इस फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। नाउ F12 के ऊपर वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ट्रिक पे मैं आपको यहां पे बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आपसे फिलहाल मेरा एक क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये लेफ्ट, क्या ये सही लिखा है अभी तक यहां पे,
थोड़ा सोचिए इस बारे में, वीडियो को पॉज करके कि क्या ये मैंने सही लिखा है अभी यहाँ पे। आंसर इज नो, अभी ये सही नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसी क्वांटिटी आपने लिखी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, जबकि राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है। बात समझ आई? तो मतलब इसको हमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और डायरेक्शन कैसे दें यार, अब ये सवाल पैदा होता है कि डायरेक्शन कैसे दें। तो फिर इसके लिए फिर से थोड़ा फ्लैशबैक में आपको चलना पड़ेगा। अब देखिए, 11th में आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्वांटिटी के पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो उसको डायरेक्शन दी जा सकती है। मतलब आपने ये पढ़ा हुआ है कोई क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं, मतलब वो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। आप उस स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर बना सकते हो। सवाल आता है भाई कैसे बना सकते हो, आंसर इज क्या लगा, क्या अप्लाई करके, आंसर इज यूनिट वेक्टर अप्लाई करके। तो आप किसी भी क्वांटिटी को जो स्केलर है आप उसको वेक्टर बना सकते हो, क्या करके, यूनिट वेक्टर लगा के। मतलब किसी क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड है तो उसको डायरेक्शन दी जा सकती है, क्या, किसकी हेल्प से भाई, यूनिट वेक्टर की हेल्प से। तो यहां पर F12 है, तो मतलब यहां पर मुझे किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर से। एक मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं इसके सपोर्ट में, आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा ये वाला, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए। तो इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, बट सिर्फ इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब इसको डायरेक्शन चाहिए। तो हमने यहां पे किससे मल्टीप्लाई किया था, ए कैप से, किससे मल्टीप्लाई किया था, ए कैप। एंड व्हाट वाज ए कैप, ए कैप वाज यूनिट वेक्टर। नाउ तो मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है यार, यूनिट वेक्टर से। सवाल आता है भाई कौन से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। अब जरा देखना यहां पे, पहले चलो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, एक ध्यान रखना, यहां पर अगर 1 2 है तो यहां पर यूनिट वेक्टर आएगा 2 1, यहां पर अगर 1 2 है तो यहां पर यूनिट वेक्टर आएगा कौन सा, 2 1। ओके, अब लॉजिकली देख लेते हैं कि 2 1 कैसे आएगा। देखिए 2 1 का मतलब आप डिस्टेंस देख रहे हो 2 से लेके किसकी तरफ, 1 की तरफ, मतलब कुछ ऐसा, कुछ ये वाला। देखिए पहले जान लेते हैं वापस, F12 का मतलब फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, मतलब Q1 पे फोर्स लग रहा है, बट कौन मार रहा है, Q2 मार रहा है, तो Q2 से Q1 की तरफ फोर्स लग रहा है। तो इसीलिए हम जो यूनिट वेक्टर लेंगे डिस्टेंस का, वो भी कौन से लेंगे, R21। 21 मतलब 2 से 1 की तरफ, 2 से किसकी तरफ, 1 की तरफ। दोबारा बोल रहा हूं मैं, R21 का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। ओके, तो R21 का मतलब है यहां पे यूनिट वेक्टर है कहां से कहां तक, Q2 से किसकी तरफ, Q2 से किसकी तरफ है, Q1 की तरफ। क्यों, क्योंकि F12 क्या है, F12 इज फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। फोर्स कौन मार रहा है, Q2 मार रहा है, तो जिसका फोर्स आएगा वहीं से आप यूनिट वेक्टर देखोगे। और ट्रिक तो मैंने आपको बताई थी, क्या बताइए ट्रिक, कि यहां 1 2 है, अगर यहां 1 2 है तो इसका ऑपोजिट यहां पे आएगा, दैट इज 2 1। अच्छा, और एक चीज और, आप तो ये जानते ही है कि एंड R21 किसके बराबर होगा, R21 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू R21 डिवाइडेड बाई R। देखिए आप R21 का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। अब यार Q2 और Q1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, भाई R है डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस का R21 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, आंसर इज R के बराबर, जितनी डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच। ठीक है, नाउ तो हमने ये F12 लिख दिया, चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे, यहां पे हमने F12 की बात करी, अब हम यहां पे बात करते हैं किसकी, F21 की। तो F21 इज
is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into q1 q2 divided by r square. अच्छा एक बात आपने अगर गौर करी हो थोड़ी, तो मैंने यहाँ पे मॉड्यूल साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यार ये चार्जेस हमने बाय डिफॉल्ट कैसे लिए भाई, पॉजिटिव ही तो लिए हैं, इसलिए मल्टीप्लाई में. अब आप थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा. इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, इसके पास इस वेक्टर टर्म के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या है इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब मुझे डायरेक्शन चाहिए. तो यहाँ पर 2-1 है, ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ पर 2-1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर इज इसका उल्टा, दैट इज 1-2. मैंने लॉजिक फिर से वही लगेगा भाई, F21 का मतलब फोर्स ऑन 2/1, तो 2 पे फोर्स लगा है, 1 मार रहा है, तो डिस्टेंस आप कहां से लिखोगे इस बार, 1 से 2 की तरफ, इसलिए ठीक है. अब एक बहुत अच्छी चीज यहां पे आपको पता चलेगी इन एरोस से, तो ये आपको समझ आ गया, वेयर ट्रिक ध्यान रखिएगा, यहां 2-1 है तो यहां हमेशा क्या आएगा 1-2, यहां 1-2 है तो यहां हमेशा क्या आएगा 2-1, उल्टा आएगा उसका, वेयर आर 1-2 इज यूनिट वेक्टर from q1 to q2 and बिल्कुल वैसे ही and r12 cap is equals to r12 का वेक्टर divided by r12 का मैग्नीट्यूड. अच्छा जिसको ये नहीं पता है हमने ये कैसे लिख दिया, तो भाई ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, यहां से आप देख सकते हो a cap कैसे आएगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका क्या, ये क्या होता है किसी भी वेक्टर का क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो ये वही फॉर्मूला बिल्कुल वहां से लेवल का फॉर्मूला है चैप्टर नंबर 4 वेक्टर्स का. तो इसको आप लिख सकते हो फिर से कुछ इस तरीके से, r12 का वेक्टर डिवाइडेड बाय r, क्योंकि r12 का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर होगा r के. भाई सीधी सी बात है, आप चाहे q1 से डिस्टेंस मेजर करो q2 की तरफ तो भी वो किसके बराबर आएगी r के, चाहे q2 से डिस्टेंस मेजर करो q1 की तरफ तो भाई वो तब भी किसके बराबर आएगी, आंसर इज आर के बराबर ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बराबर आ रहा है, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आएगा किसके बराबर, आर के बराबर, ठीक है. तो r12 बाई r, इसका मतलब ये मान लो एक एग्जांपल, इसको इसके लिए मैं एक एग्जांपल और आपके सामने देता हूं. मान लो ये दोनों दो बंदे हैं, ठीक है, ये है लोकेशन मान ली चलो हमने ए, और ये लोकेशन मान लेंगे बी, और मान लिया ए और बी के बीच में लोकेशन डिस्टेंस कितने किलोमीटर की, 5 किलोमीटर की, और ये ही रास्ता है जिसके रास्ते जा सकते हैं. तो अगर कोई इंसान मतलब Q1 इस तरफ आता है तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा. अगर कोई इंसान बी से मतलब कोई इंसान Q2 बी से ए की तरफ जाता है तो भी वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, 5 किलोमीटर. मतलब ये है मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखने वाला हूं इस चीज से जो आपके सामने आने वाली है. इसका मतलब ये है कि अगर आप Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हो या Q2 से किसकी तरफ चल रहे हो, Q1 की तरफ, मैं इसको रफ कर देता हूं ए और बी, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, कि इसका मतलब ये कि अगर आप Q1 से Q2 की तरफ चल रहे हो या Q2 से Q1 की तरफ चल रहे हो तो आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ रही है, इक्वल डिस्टेंस. मतलब आपको ये समझ आ गया कि R12 जो है, या ऐसे मान लो कुछ भी मान लो इसको, या जो R21 है या R12 है, चलो R12 ले लेते हैं क्योंकि हमारी सेकेंड इक्वेशन यही है एक्चुअली, तो जो R12 है वो इक्वल तो है, किसकी इक्वल है भाई, R21 के आया ना. बट अगर आपने देखा हो ये दोनों एक दूसरे के कहां है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के कहां है, आंसर इज दोनों एक दूसरे के क्या है, यहां पे दोनों दूसरे के क्या है, ऑपोजिट. और जब दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो यहां पर साइन कैसा आता है, नेगेटिव साइन. बात समझ आएगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां जाओ डिस्टेंस तो तब भी कितनी रहेगी दोनों के बीच, 5 किलोमीटर. लेकिन चल कहां रहे हो, ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं ना, तो मतलब ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट है. दैट इज सिंस हमने इसको देखा R12 का कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21, तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन, तो हमने इसको पुट करा, लेट्स सपोज इक्वेशन 2 में, जब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट
F21 is equals to 1 by 4 by epsilon into Q1 Q2 by R square multiplied by R12 की जगह what we put minus of R21 ठीक है, तो इस minus n को मैं यहाँ से हटा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे and then this is equation number 3. तो from equation 1 and 3 what you will get, you will get F12 या F21 sorry you will get F21 is equals to F21 is equals to अभी देखिए इस पूरी वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये वन F21 is equals to minus of F12 और ये क्या प्रूव हुआ, hence Newton's third law is प्रूफ. तो इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या है, इक्वल और ऑपोजिट, व्हिच मींस न्यूटन्स की थर्ड लॉ हमने यहां पर प्रूफ कर दी. ठीक है, तो इस में हमने जो मैंने आपको बोला था एक तीन से दो शिकार, पहला शिकार भाई हमने कूलम्स को एक्सप्रेस करिए पूरी, आप देख लीजिए कूलम्स को है कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म. दूसरा शिकार हमने क्या प्रूफ करी, न्यूटन्स की थर्ड लॉ प्रूफ करी, किससे न्यूटन्स की थर्ड लॉ प्रूफ करी, व्हिच मींस फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, चलिए इस उम्मीद से कि आपको ये टॉपिक क्लियर आउट हो गया. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, व्हिच इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट हाँ सिलेबस का पार्ट है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी अपने को करना पड़ेगा. क्लियर, मैंने यहाँ पर डिफरेंस ऑलरेडी लिख दिया है बिटवीन चार्ज एंड मास, सो देर आर अबाउट सिक्स, या देर आर अबाउट सिक्स पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास. चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस के मेन छह पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए, बहुत इजी आपको बहुत आराम से समझ जाएगा. देखिए सबसे पहला आपको बताइए भाई, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो, लेकिन किसी भी इंसान का मास कभी भी ना नेगेटिव हो सकता है और ना कभी भी जीरो. तो मास क्या होता है, हमेशा किसी भी बॉडी का पॉजिटिव होता है. चार्ज का क्वांटाइजेशन पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 में, जो बेसिक्स में कवर की हुई है उसमें क्वांटाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, दैट इज q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n e या फिर q इज इक्वल्स टू n e, जबकि अभी तक मास का क्वांटाइजेशन हुआ ही नहीं है. ठीक है, देन थर्ड इज जो चार्ज है वो कभी भी बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज बॉडी की स्पीड पर कभी भी डिपेंड नहीं करता, जबकि बॉडी का मास डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पे. अकॉर्डिंग टू द रिलेशन m = m0 / √1 - v² / c² एंड व्हाट इज दिस, ये फार्मूला है बहुत स्पेशल थ्योरी है हमारी फिजिक्स में, एंड दैट थ्योरी इज दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है बनने में. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. देखिए फोर्स जो लगेगा दो चार्जेस के बीच, दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. तो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव, और जो फोर्स है बिटवीन डिफरेंट चार्जेस वो एक दूसरे को क्या कर सकता है, साथ के साथ कैंसिल आउट, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो भी हो सकता है. ऑन द अदर हैंड दो मासेस के बीच में, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है वो दो मासेस के बीच में लगता है हमेशा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इस हमेशा नेचर में क्या होता है, अट्रैक्टिव, और कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकता. ठीक है, ना चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ये भी हमने वीडियो नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि भाई चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, जबकि मास है मास कंजर्व नहीं रहता. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल सकता हूं मैं इसको, भी आपको यहां पर पता चलेंगे कि मास बॉडी का हमेशा कंजर्व नहीं रहता. ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में. एक्चुअली आप फिजिक्स में चैप्टर 12 या 13 में पढ़ेंगे, एटम एंड न्यूक्लियस एक यूनिट है हमारी, दैट इज चैप्टर नंबर 12 13 आते हैं वहां पे, उसमें आप पढ़ेंगे मास डिफेक्ट एक टॉपिक, कि जब भी किसी बॉडी में जब भी कहीं पर मास डिफेक्ट होता है तो हमेशा वहां पर एनर्जी रिलीज होती है. या इसको ऐसे मान लीजिए वहां पर, चलिए वहीं पर इसको पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाते, ये सब आएगा कि मास कंजर्व नहीं रहता कैसे, या मास एनर्जी में कैसे चेंज हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सब्र रखिए उसके लिए, चैप्टर नंबर 12 और 13 में पढ़ेंगे. नाउ एक चार्ज बॉडी हमेशा किसी बॉडी पर अगर चार्ज है, किसी बॉडी पर अगर चार्ज है तो उस पर हमेशा कुछ ना कुछ मास, हमेशा कुछ ना कुछ मास जरूर होगा. ठीक है,
लेकिन ऑन द अदर हैंड किसी बॉडी पर अगर मास है, किसी बॉडी का मास है, तो जरूरी नहीं है उस पे चार्ज हो, उस पे नेट चार्ज क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यहां पर चार्ज होगा तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स वगैरह वगैरह सब, मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार, आप समझोगे आराम से। किसी बॉडी पर चार्ज है तो उस पर मास जरूर होगा, लेकिन अगर किसी बॉडी पर मास है तो जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज हो, उसके पास चार्ज नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बारी आती है यहां पर ट्रिक्स की, जिसके बेसिस पर आप कूलम्स लॉ के सारे भी, हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हो, और वो क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रिक्स की। देखिए, इन ट्रिक्स के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस के कुछ वर्ड्स पहचानने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ वर्ड्स हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, एक है इक्विलिब्रियम ऑफ मेटल चार्ज। ये दो ट्रिक्स पहले मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर वर्ड्स आ रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, किसका इक्विलिब्रियम, सिस्टम का इक्विलिब्रियम, तो उस केस में आप क्या करेंगे। लेट सपोज आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन मान ली हमने। अब आपको इस पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम करना है, तो ध्यान रखिएगा आपको बीच में, बीच से मेरा मतलब सेंटर में नहीं है, ध्यान रखना, बीच से मेरा मतलब सेंटर में नहीं है, कहीं पर भी इन दो चार्जेस के बीच में कहीं पर भी जो तीसरा चार्ज रखना पड़ेगा वो हमेशा इन दोनों के ऑपोजिट साइन का। तो इन दोनों का ऑपोजिट साइन क्या है, माइनस। इन दोनों का ऑपोजिट साइन, इन दोनों का साइन क्या, पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दोनों का ऑपोजिट साइन क्या बनेगा, आंसर इज माइनस। तो हमें यहां पर कहीं बीच में, लेट सपोज हमने यहां पर एक डिस्टेंस रख दी, आई विल से एक्स डिस्टेंस पर हमने चार्ज रख दिया, कौन सा, माइनस क्यू साइन का, मतलब नेगेटिव साइन का चार्ज रखा, ताकि जिससे ये पूरा सिस्टम है ये किसमें पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम। ऑन द अदर हैंड, अगर लेट सपोज यहां पर ये माइनस क्यू होते, ये माइनस क्यू होता, सेपरेशन आर होता है यहां पर। ठीक है, तो आप यहां पे सिस्टम के मेन चार्जेस कैसे हैं, मेन चार्जेस का साइन क्या है, नेगेटिव, तो ऑपोजिट क्या हो गया नेगेटिव का, आंसर इज पॉजिटिव। तो आप एक चार्ज रखोगे जिसका साइन इन दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, प्लस क्यू, और किसी भी डिस्टेंस एक्स पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस एक्स इज नॉट द मिड पॉइंट और विल नॉट ऑलवेज बी द मिड पॉइंट। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट निकल के आ सकता है, बट हमेशा नहीं होगा मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, इक्विलिब्रियम सिस्टम की। अगर आपको मिडल चार्ज में इक्विलिब्रियम करना है सिर्फ और सिर्फ, तो उसमें आप माइनस रखो चाहे प्लस रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड अगर लेट सपोज यहां पर नेगेटिव चार्जेस हैं तो भी आप प्लस रखो या माइनस रखो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, इक्विलिब्रियम ऑफ सिर्फ, जब आपको किसका चार्ज, किसका इक्विलिब्रियम करना है, सिर्फ और सिर्फ मेटल चार्ज का। ये बात थी कब, जब आपको किसकी इक्विलिब्रियम करना है, पूरे सिस्टम का। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर किसकी, रूल ऑफ शेयरिंग की। तो थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रूल ऑफ शेयरिंग को, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। देखिए, मान लिया हमने दो स्फीयर से हमारे पास ए और बी, सेपरेशन है इनके बीच में आर, इस पे चार्ज पड़ा है क्यू वन और इस पे चार्ज पड़ा है क्यू टू। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास जो बेसिक क्लास है हमारी, मैंने वहां पे शेयरिंग का जिक्र किया था। मैंने बताया था शेयरिंग कैन बी इक्वल एंड शेयरिंग कैन बी अनइक्वल, और शेयरिंग तभी होती है जब दो बॉडीज के बीच में एक्चुअल कॉन्टेक्ट होता है। ये आपको याद होना चाहिए, इसके लिए पता होना चाहिए, और आई होप सो, आई थिंक सो, आपको पता होगा ये चीज। ठीक है, तो लेट सपोज हमने एक तीसरा स्फीयर ले लिया सी, जिस पे फिलहाल चार्ज कितना है, जीरो, विच चार्ज कितना है, जीरो, विच मींस ये स्फीयर क्या है यार, ये स्फीयर क्या है, अनचार्ज। तो हमने क्या किया, हमने इस सी को सबसे पहले किससे टच कराया, ऐसे टच कराने का मतलब एक्चुअल कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो ध्यान सबसे समझना, व्हेन सी इज टच्ड विद ए, जब आपने सी को किससे टच करा दिया यार, ए से टच कराया, तो रूल ऑफ शेयरिंग अब दिखने वाले हैं यहां पे, समझना ध्यान से। तो इन दोनों के बीच में चार्ज क्या होगा, शेयर होगा। देन तो चार्ज इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग शेयर होगा, जो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज इस पे। देन चार्ज
चार्ज ऑन ए एन सी, तो अब समझना फॉर्मूला क्या है। आप चार्ज देखोगे किस पे, ए और सी में, क्योंकि दोनों बीच में चार्ज शेयर होगा। हमने क्योंकि एच यू कॉन्टेक्ट करा दिया, टच करा दिया, टच करा दिया, मतलब एच यू कॉन्टेक्ट करा दिया। तो यार सिंपल सा फॉर्मूला है, ए का चार्ज कितना है क्यू वन, सी का चार्ज कितना है भाई जीरो, डिवाइड कर दो किससे, टू से। तो ए और सी के चार्ज कितना आ जाएगा क्यू वन बाई टू। तो मैं यहां पर इसको हटा के लिख रहा हूं क्यू वन बाई टू, और यहां पर भी कितना आ गया Q1 by 2। Then, उसके बाद दूसरी नंबर पे, दूसरी बारी में आपने C को टच कराया B से, तो ये पहली बार था और ये दूसरी बार है। When C is touched with B, then अब चार्ज किस किस के बीच शेयर होगा, then charge on B and C। तो चार्ज किस किस के बीच शेयर होगा, B और C के बीच। तो समझिएगा फिर से, मैंने क्या बताया था, B का चार्ज प्लस C का चार्ज, I mean to say, जैसे यहाँ पे बताया था A का चार्ज प्लस C का चार्ज डिवाइडेड बाई टू, बिल्कुल सेम तरीका होगी, B का चार्ज प्लस C का चार्ज डिवाइडेड बाई टू। तो B का चार्ज कितना है Q2, C का चार्ज कितना है Q1 बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। देख लीजिए वही फॉर्मूला, आपको सिंपल क्या करना है, जिससे भी टच कराया उसका चार्ज प्लस जिसको टच कराया उसका चार्ज डिवाइडेड बाई टू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यूल गए 2q2 plus q1 divided by 4, this is the rule of sharing। और मान लीजिए आपने square c को remove कर दिया उसके बाद, ठीक है, मान लीजिए आपने square c को test कराने के बाद remove कर दिया यहाँ से, हटा दिया, तो उसके बाद diagram कुछ ऐसा बनेगा, जब आपने square c को हटा दिया, ठीक है, तो c is removed, तो जब c को आपने हटा दिया, तो diagram कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो ए के पास भाई चार्ज कितना आएगा Q1 by 2, सेपरेशन अभी भी आ रही है इनके बीच, और भाई B के ऊपर चार्ज कितना आएगा 2Q2 plus Q1 divided by 4। तो ये है रूल ऑफ शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वापस इसको लिख दो, यहाँ पर कुछ ऐसे था माइनस क्यू। तो सिस्टम में क्लियर करते हैं, तो सिस्टम के चार्जेस का जो साइन है उसका ऑपोजिट, तो प्लस क्यू एट डिस्टेंस लेट्स सपोज एक्स, ठीक है।